वापस आ गए हैं अपने वादे के मुताबिक एक नई जगह लेकर। मैं हूं आसिफ और मैं हूं नमिता। हम दोनों साथ साथ हैं आपको कुछ दिखाने के लिए। आज हम लखनऊ के रूमी गेट पर आए हुए हैं। यूँ तो लखनऊ के चप्पे चप्पे पे नवाबों की झलक दिखाई देती है, लेकिन जिस इलाके में हम हैं वहाँ पर हर जगह जो है नवाबों के समय का जो वास्तुकला है उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ दिखाई देता है। जी हाँ बिल्कुल, और हम बता दें आपको ये बहुत पुराना रूमी गेट है और इसी के पास है, अगर कभी आप लोग लखनऊ आए हैं तो यहाँ पे इमामबाड़ा है पास में, बड़ा इमामबाड़ा, और उसी के पास में ये है रूमी गेट। और इसका भी इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण साड़ी रहा है, क्योंकि ये जब निर्माण इसका कराया गया है तो वो किस लिए हुआ है, और बहुत सारी इमारतें तो हम अपनी खुशी के लिए बनवाते हैं लेकिन ये किस लिए बना, ये बहुत अपने आप में। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रूमी गेट बनने का कारण क्या था। हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपको कुछ जो भी चीज़ होगी उसके तह तक जाएंगे। कहा जाता है कि 1780 के दशक में यहाँ पर अकाल पड़ गया था, उसकी वजह से यहाँ की जनता को भूख और भुखमरी के कगार पे आ गई। तो उस समय नवाब आसिफुद्दौला थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि हम अपनी जनता को, अपनी प्रजा को फ्री में कुछ ना देकर उनको काम के बदले उनको राशन और पैसा देंगे। उसी की योजना के तहत ये काम है, रूमी गेट बना, बड़ा इमामबाड़ा बना, भूल भुलैया बनी, आसिफी मस्जिद बनी और शाही बावली बनी। जी हाँ बिल्कुल, और आज के टाइम में तो लोग मतलब कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन तब के लोग ऐसे हुआ करते थे कि अकाल का टाइम था और वो ये मतलब उनको ये नहीं था कि हमें कोई भी फ्री में, कोई भी सरकार फ्री में या कुछ भी फ्री में मिले, वो कर के तब कुछ पाना चाहते थे। तो ये जो रूमी गेट बना हुआ है तो उन लोगों ने ही बनाया है, और उस टाइम बनाया गया जब आप सोचिए कि अगर देश में आपके अकाल पड़ा हुआ है, अभी जैसे आप कोरोना का टाइम है और इस टाइम आप उसके बारे में सोचेंगे कि इसको दूर कैसे करें, या आप ये सोचेंगे कि आप सोचेंगे कुछ भी मिल जाए, दवा मिल जाए तो हम फ्री में वैक्सीन मिल जाए हमें, हम सभी सोचते हैं ऐसा। आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता दूं इसका जो इन तीन चार जो इमारतें बनी हैं उस अकाल पीरियड में, इसके आर्किटेक्ट थे किफ़ायतुल्ला, जिन्होंने रूमी गेट का डिज़ाइन किया था, बड़ा इमामबाड़ा की डिज़ाइन किया था, आसिफी मस्जिद की किया था, भूलभुलैया की किया था और शाही बावली की किया था। दोस्तों आपसे एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप लखनऊ आइए, लखनऊ इन सब जगहों घूमिए ज़रूर, लेकिन साथ में आप गाइड ज़रूर लीजिएगा। गाइड आपको जो है बहुत कुछ बताता है, सारी बातें हम बता देंगे तो गाइड की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, तो सारी बातें हम आपको नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, ये 1784 में बनना शुरू हुआ था और 1786 में ये बन के तैयार हुआ, करीब 2 साल लगा है। ये बहुत ही खूबसूरत, और आपको बता दूं रूमी गेट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज हम और दूसरी इमारतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रूमी गेट एक ऐसा गेट है जो लखनऊ का सिग्नेचर है, एक ये सिग्नेचर स्मारक हो गया है। रूमी लखनऊ की जब कोई फोटो या सिंबल आप देखेंगे तो रूमी गेट उसमें दिखाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इसमें नक्काशी है, इसके ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं, और उस समय में जब ये बना था गेट तो उसके दरवाज़ों पर लैंप लगा दिए गए थे रोशनी के लिए, जो जब वो रात के समय वो जलते थे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। जी हाँ, और हमारा मतलब बस सिर्फ इतना होता है कि हम आपको उन उन जगहों के बारे में बताएं जहाँ आके आप खुद घूमिए, खुद देखिए और खुद जानिए समझिए। हम तो बस आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आके आप यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने लायक हैं। हमारा मकसद क्या होता है कि आपको उन जगहों के बारे में बताएं और वो आपके अंदर उत्सुकता पैदा करें। आप आइए, कोरोना काल चल रहा है लेकिन आप आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज़रूर घूमिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें बचाव बहुत ज़रूरी है, घर में रहिए, सेफ रहिए है, लेकिन फिर भी आप आइए घूमिए, लेकिन गाइड ले लीजिए, यहाँ के इतिहास के बारे में जानिए, बहुत खूबसूरत इमारतें यहाँ। Thank you.
जानकारी अच्छी लगी हो और ये रूमी गेट अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए सभी लोगों के साथ में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने नया नया अपना चैनल स्टार्ट किया है और इसलिए हम बहुत बहुत आप लोगों के आभारी हैं कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं। और हम फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हमारे सारी वीडियो करिए, अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, हम आपको क्या नया दिखाएं, क्या आप हमसे और जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है हम जिस हर उनकी तह तक जाके आपको बताना उनकी वास्तुकला के बारे में या किसी तरह भी। और आप इसके अलावा और कुछ देखना चाहते हैं, हमसे कुछ और जानना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से हमारी हम दोनों की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जी बिल्कुल। और अभी जैसे कि सभी को पता है कि दिल्ली में या हर जगह पर कोरोना कितना बढ़ रहा है, तो हम यही कि प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और जहाँ भी निकलिए मास्क पहन के निकलिए। और क्योंकि अभी सरकार ने तो दिल्ली सरकार ने तो 2,000 रुपये का जुर्माना भी रख दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम सेफ रहे, हम अपने लिए पहने, हमें उस जुर्माने के लिए नहीं पहनना है। तो बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।